आश्वासन दे रहे हैं आपके डेट के आगे बस आश्वासन नहीं सर आश्वासन हमें कहीं देंगे आश्वासन बस 11 दिन से नहीं प्रताप सिंह काटे ये बात ने क्या बोला शिक्षा मंत्री ने बेरोजगारों का मजाक उड़ा के रखा है उन्होंने एक लड़की को क्या बोला हम बेरोजगार हैं भिखारी नहीं है हमें मैंने भी बोला भाषण मत दो ऐसे बोला भाषण मत दो हम अपनी बात रखने हैं जो ज्ञापन देते हैं ना ज्ञापन नहीं रह जाएगी तो ऐसे ही बैठे रहते हैं टेंशन वाले हमें बोला है भाषण देना मंत्रियों का काम होता है हमारा नहीं है मैम 11 दिन से बैठे हैं और कोई सुनने को नहीं है मैं एक महिला हूँ और महिला का दर्द समझते हैं यहाँ पे मैं आपकी बात कह रही हूँ कि तुम पहले अंजन को मैं हर किसी तो अंजन को मैं और आज लास्ट दिन ये तो मैं कल दिन भी था फिर मुझे भी देखना है ये लोग लुक कैसे ना बेटियाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गई जिंदा बेटियों की पूरी हत्या कर रहे हो आप मैं नहीं झुकूंगी मैं अपनी लास्ट टाइम तक लड़ूंगी और आप मुझे जितना बोलोगे ना उतनी ज्यादा मैं कठोर बनूंगी चलने दो सर नहीं आएंगे और सीएम साहब दोनों नहीं आएंगे ना और मांग गाइड मांग लेके हूँ न्याय इनकी डेडलाइन है ये युवाओं की सरकार है न्याय आपके द्वार तो बंद कर दीजिए ये बंद कर दो इन सब चीजों को बड़े बड़े हॉस्पिटलों में निकला बहुत आसान है भ्रूण हत्या अपराध है जिंदे लोगों को मारा जा रहा है आपको आप मैम इनको आज कॉलेज जाकर देखी ना तो आपको लगेगा कि ये चार दिन से मैं किस चीज में समझ रहे हो आप कदम उठाए जानते हैं मैम मैं इसी का दर्द